हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से पर्सनल असिस्टेंट का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट का फॉर्म है, पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, जहाँ पर ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी कि ये आपका परमानेंट जॉब नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। कितने महीने का होगा, कितने साल का कॉन्ट्रैक्शन होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ लिखा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मात्र आपको 6 महीना आधा साल काम करवाया जाएगा। इसके अलावा फिर आपको वहाँ पे हो सके अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको टाइम बढ़ाया जाएगा, नहीं रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको वहाँ से आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ 45 पोस्ट चाहिए। आप क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन पे, यानी कि आप बीए कंप्लीट किए हो, बीएससी कंप्लीट किए हो, बीकॉम कंप्लीट किए हो, बीटेक कंप्लीट किए हो, बी फार्मा कंप्लीट किए हो, जो भी आपको होगा आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथ में आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए, जिसमें कुछ मिनिमम स्पीड जो है रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगा कितना है, वो आपको इतना चाहिए, यानी कि एक मिनिमम स्पीड होता है वो आपको चाहिए, और साथ में आपको इंग्लिश टाइपिंग और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपका रिक्वायरमेंट है। साथ में अगर आप कंप्यूटर होगा तो आपको कंप्यूटर के अंदर 6 महीने का कोर्स आपको देना पड़ेगा, कि एप्लीकेशन फॉर्म है कि हाँ मैंने कंप्यूटर कोर्स के अंदर 6 महीने का कोर्स किया है, जैसे आपको DCA होता है या और भी एक वगैरह होता है। और ये सभी लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक में आपका हो जाना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 37 साल दिया गया है। इसके अलावा आपको उसमें छूट के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दिया गया है, अगर रहेगा तो बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, यानी कि पूरा है, इसमें किसी प्रकार का आपको अदर अलाउंस जो होता नहीं देगा, टोटल आपको 30,000 रुपया एकदम आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मैंने बता दिया 6 महीना का है, अगर इसको रिक्वायरमेंट होगी तब आपको एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो आपको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा नौकरी को। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, जहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग जो होना चाहिए शॉर्ट हैंड का 80 वर्ड पर मिनट, और साथ में इंग्लिश का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका कम से कम 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और साथ में आपका यहाँ पे वॉक इंटरव्यू होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये तीन चीज़ होगा जो कैंडिडेट जो सक्सेसफुली यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो लिस्ट ऑफ शॉर्टलाइज कैंडिडेट जो होगा, यानी कि जो बच्चे को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो उसका वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको TA नहीं दिया जाएगा, जब आप यानी कि ट्रेवल अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा जब आप एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में या टेस्ट में जा रहे हैं, तो यानी सब आपको अपना खर्च पे आपको एग्जामिनेशन देना है। इसके बाद अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर रिसीव होगा तो यहाँ पे हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जा सकता है अगर इसको नंबर ऑफ वैकेंसीज ये फॉर्म जो है ज़्यादा मिल सकता है। तो एग्जामिनेशन फीस इसमें कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा रहा है या भर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर्म है जो कि 6 महीने का होगा, और यहाँ पे आपका उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना कोई कारण के, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लिखा हुआ कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सिविल सर्जन से या मेडिकल ऑफिसर से, जो कि इसका रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट से नीचे का नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट जो होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होने वाले हैं उनको सभी पब्लिक हॉलीडे तो दिया ही जाएगा, और साथ में पब्लिक हॉलीडे के अलावा उसके 2 पेड कैजुअल लीव्स दिया जाएगा फॉर एवरी क्वार्टर्स ऑफ ईयर, यानी कि हर एक साल के जो 1/4 3 महीना में आपको यहाँ पर 2 छुट्टी आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था वो यहाँ पर बताया गया है। और लिखा गया है कि आपका पूरा कम 6 महीने के अंदर आपको 4 छुट्टी से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, आपका जो पर्सनल छुट्टी होता है वो आपको नहीं मिलेगा, मात्र आपको जो पब्लिक हॉलीडे होता है उस दिन आपको छुट्टी मिलेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा जो CL कहलाता है वो आपको मात्र 4 दिन का ही इसमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो आपको 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 5 मई तक फॉर्म कम्प्लीट होगा, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, और उसके बाद कोई फॉर्म आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करना है उसका वीडियो मैं कल बना दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये ना दोस्तों फुल नोटिफिकेशन, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।